हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही इजी, क्विक एंड कंफर्टिंग मील। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम पनीर और इसे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में कोट करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर भी लिया है। इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब एक सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 1/2 टीस्पून जैगरी का पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस लेंगे। 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके अलग रख देंगे। अब पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर से पनीर को कोट किया था उसे हम यहाँ पर फ्राई करेंगे जब तक कि वो क्रिस्प ना हो जाए। इसकी जगह आप टोफू भी ले सकते हैं। इसे चारों तरफ से अलट पलट कर हम अच्छे से क्रिस्प होने तक सेकेंगे। पनीर अब अच्छे से सिक गया है, इसे हम अलग रख देंगे। और एक पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक और इसे सौते करेंगे। फ्लेम को हम तेज रखेंगे। इसमें हम अब डालेंगे ब्लांच की हुई ब्रोकली। अब इसमें हमने ली है रेड और येलो बेल पेपर्स और इन्हें भी ब्रोकली के साथ में फ्राई करेंगे। हमें सब्जियों में क्रंच चाहिए, इसके लिए हम फ्लेम तेज ही रखेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इन्हें सौते करेंगे। हमने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ सॉस और जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। बस इसे 1/2 मिनट के लिए ही हमें कुक करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से भुने हुए तेल। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस हैं तो वो भी ज़रूर डालें और इसे एक बार मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, बहुत ही इजी और कंफर्टिंग मील तैयार है। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।